हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ कुछ डिफरेंट शेयर है। मैंने इस शेयर पे आज तक शायद वीडियो नहीं बनाई है, हालांकि है बहुत पसंद ये स्टॉक, बट कभी इसमें काम नहीं करवाया और ना ही वीडियो बनाई। गाइस, मैं बात करने वाला हूँ कैम्स के बारे में। देखिए, कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड का शेयर, और आज के दिन इस स्टॉक में बहुत ही बड़ी गिरावट होती हुई दिख रही है। करीब करीब 10% टूट गया है स्टॉक। गाइस, इस स्टॉक में जो रैली आई है वो रैली भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी रैली है, और ये स्टॉक एक तरीके से मल्टी बैगर के रूप में निकल के आया है सामने आप सभी के, मात्र कुछ ही एक आध महीने का साल में ही। देखिए गाइस, स्टॉक को लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अगर मैं स्टॉक की डिटेल्स दे दूँ आपको, तो स्टॉक मार्केट में 2020 में आया है और 1300 रुपीज से ये शेयर आपका चला गया 4000 रुपये पे। और गाइस, इसकी लिस्टिंग प्राइस के बारे में मेरे को याद नहीं है, हालांकि ये 2020 में आया है स्टॉक। तो जिसने IPO लिया है वो तो मल्टी बैगर बन के दिया है, उसने यहाँ पे बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। गाइस, सबसे पहले मैं बताऊंगा ये जो गिरावट आई है, इस गिरावट के पीछे का कारण क्या हो सकता है, और इस गिरावट के बाद क्या आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक गाइस काफ़ी फेवरेट हो चुका है रिटेल इन्वेस्टर का। कैम्स, CDSL और BSE, गाइस ये तीनों शेयर में कनेक्शन भी बताऊंगा मैं आपको, और ये स्टॉक जो है इस टाइम फेवरेट स्टॉक हैं एक रिटेल इन्वेस्टर, क्योंकि इनमें बनी है शानदार तेजी और ये तीनों मार्केट से जुड़े हुए शेयर हैं। इसके रिलेटेड मैं आप सभी को डिटेल में भी बातें बताऊंगा, जो कि आप अगर एक इन्वेस्टर हो तो आपको आपकी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। तो इन सब पे बात करेंगे, और बात करेंगे गाइस जिसने भी पोजीशन बना ली और बड़े लॉस में बैठा, क्योंकि 10% की करेक्शन तो आज ही आई है स्टॉक में, तो उसके लिए क्या होगी राय, इन सब पे बात करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम ID पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। देखिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तीनों मार्केट से रिलेट क्यों करते हैं। देखिए, स्टॉक जो मार्केट से रिलेट करते हैं, जैसे कि मैंने नाम लिया CDSL, CDSL का काम आप सभी को पता है, आपकी जब DP यानी पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक जाता है तो वो NSDL या CDSL होते ही उसमें जाता है। BSE एक्सचेंज है, आप सभी को पता है, आप शेयर की खरीद बेच करते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज है, तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE आया नहीं है अभी तक, NSE सबसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो NSE जब तक नहीं आएगा तब तक BSE में कहीं ना कहीं तेजी बनती रहेगी, ऐसा लोगों का मानना है, और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी वो अपना लगा रहे हैं, और रिटर्न भी स्टॉक ने करीब करीब 100% से प्लस के दे दिए हैं आपको मात्र कुछ ही महीनों में। 500, 550, 600 रुपये का स्टॉक था या अभी से 3-4 महीने पहले आई थी, और अभी शायद 1200 रुपये तक के, 1300 रुपये तक के इसमें हाई लगते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट उससे भी ऊपर तक गया था स्टॉक, मुझे याद नहीं आ रहा, हालांकि अभी शायद 1200 के पास ट्रेड कर रहा है। तो BSE ने भी बढ़िया पैसा बना के दिया है। दूसरा, CDSL की बात करी मैंने, स्टॉक का इस 300-350 रुपये के लेवल से 1200-1400 रुपये का हो गया है, वहाँ भी बहुत ही शानदार पैसा बनता हुआ दिखा। गाइस, स्टॉक में इतनी बड़ी रैली आप सभी को पता है, जैसा कि अकाउंट बहुत ज़्यादा ओपन हुए हैं इस तेजी में मार्केट की, तो जितने ज़्यादा अकाउंट ओपन होंगे, CD आप जब भी देखिए, आप ई साइन वगैरह करते हैं तो वहाँ लिखा था है CDSL, पैन कार्ड CDSL, तो ये वही है। आप आ रहा होगा याद, शायद किसी ने भी जब ऑनलाइन अकाउंट ओपन करा होगा तो वहाँ लिखा होता है ई साइन विथ CDSL करके, तो वो सब जो है वो यही कंपनी। आप यहाँ पे पोर्टफोलियो में आपके शेयर जो आते हैं वो NSDL या CDSL के थ्रू ही आते हैं। अच्छा, अब बात मैं आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं कैम्स, तो यार ये भी क्या स्टॉक से रिलेटेड है? ये स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, ये थोड़ा सा अलग है इसी लाइन में, बट थोड़ा सा अलग है। तो यार ये कैम्स करता क्या है? देखिए, कैम्स का जो काम है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड, देखिए कैम्स म्यूचुअल फंड से रिलेट करता है। देखिए, कैम्स का स्टॉक मार्केट से तो है, बट इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड से डायरेक्टली। देखिए गाइस, जो भी म्यूचुअल फंड का लेन देन होता है, जो भी म्यूचुअल फंड के कंप्यूटर से ही होते हैं, देखिए सारे काम कंप्यूटर से होते हैं आज के दिन, तो वो जो डाटा निकलता है वो कैम्स के पास, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, वहां से ये पैसा अर्न होता है। देखिए, कभी भी आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया और आपके पास घर पे क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली डाटा आता होगा एक कुरियर में, तो कुरियर पे लिखा होगा कैम्स, आप जरूर चेक करिएगा, चाहे आपका HDFC AMC में हो म्यूचुअल फंड या आदित्य बिरला में हो, किसी में भी हो, लेकिन आपके कुरियर पे कैम्स जरूर लिखा होगा, उसके नीचे आपकी कंपनी लिखा होगा जिसमें आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। तो कैम्स का कारोबार म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ है। देखिए, आज स्टॉक में जो बड़ी गिरावट आई है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको।
देखिए गाइस, स्टॉक में बड़ी गिरावट आने का कोई ऐसा पीछे का लॉजिक या कारण मेरे समझ में नहीं आता, या आपको कोई अलग से समझा रहा है तो वो भी मेरे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। देखिए, स्टॉक चलता ही कुछ इस प्रकार है, जब तेज जाता है तो 10% बढ़ जाता है, तो आपको क्या कोई कारण बताने आएगा कि यार ये आज इसलिए भागा? नहीं गाइस, ये स्टॉक की रणनीति, स्टॉक की चाल ही बड़ी है। ये स्टॉक 4-5% ही चलता है, एक आधा ये वो नहीं है जो 3000 का शेयर है तो मात्र 1% में, वो में नहीं है, 10% 5% वाला स्टॉक है, तो हाई बीटा स्टॉक है, बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ी मूव के लिए ही जाना जाता है। तो गाइस, इस स्टॉक में करीब करीब एक महीने से गिरावट चल रही है, करीब 4000 रुपए का जब हाई लगा, देखिए 3500 से स्टॉक मात्र 2-3 दिनों में 4000 हो गया, तो यहाँ भी तो भागा ना ऊपर, तो अब किसी ने आपको तेजी बताई होगी तो वहां तो आप फंस गए ना, गिरा ना उसके बाद। तो देखिए, अगर आपको कोई स्टॉक तेज चल गया और उसकी चाली और फिर कोई आपको एक्सक्यूज दे रहा है यार ये रीजन है इसलिए गिरा या बढ़ा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बना रहा है या बस अपनी ऊपर रखना चाहता है तो बोल रहा है, बाकी कोई रीजन नहीं है। ये स्टॉक की चाली है और कोई पर्टिकुलर कंपनी की तरफ से न्यूज आई होगी, तो अभी मेरे पास तो ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। गिरावट का मुझे जो मेन मैटर लग रहा है वो ये कि ये स्टॉक की चाल ही है। देखिए, स्टॉक चलता ही 5-10% है, तो आज नीचे की तरफ चला है, कल ऊपर की तरफ चलेगा। 4000 से जो गिरावट चल रही है, ये करीब 1 सितंबर यानी करीब एक महीना हो गया और 3000 पे शेयर आ गया है, 3134 रुपए पे आज की क्लोजिंग देखने को मिली है। 3400 पे ओपन हुआ, वही इसका हाई था और स्टॉक ने मुड़के नहीं देखा आज के दिन और कंटिन्यू फॉल मिला है, कंटिन्यू फॉल, और आपका जो 3111 का लो लगता हुआ दिखा इंट्राडे में, और स्टॉक जो है 320 रुपये गिर के करीब करीब 9.28% डाउन होकर बंद होता हुआ दिखाया आपको। स्टॉक में गाइस आज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, देखिए इस गिरावट में पार्टिसिपेट हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है ये एक बाउंस बैक दे ना दे, लेकिन अभी इसमें शॉर्ट तो लोगों ने नहीं करा हो क्योंकि FNO में नहीं है अभी ये स्टॉक, बट जिनके पास पोजीशन थी वो कहीं ना कहीं निकल के भागे हैं इस पोजीशन में, तो ये गिरावट विद वॉल्यूम आई है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इसके एवरेज वॉल्यूम जो है मात्र 4 लाख से भी कम है, 3,90,000 जो है एवरेज वॉल्यूम है, लेकिन आज के सेशन में इसमें 1.9 मिलियन यानी 19 लाख शेयर ट्रेड करे हैं, यानी 3 से 19 लाख, तो करीब करीब 6 टाइम। तो मुझे लग रहा है गिरावट जो है विद वॉल्यूम हुई है और मुझे लग रहा है अभी इसमें ये फॉलो ऑन कंटिन्यू हो सकती है गिरावट। और स्टॉक में देखिए, अगर किसी की पोजीशन है तो उसके लिए क्या टारगेट और लेवल होंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। PE की बात करूँ तो 67 पे है, अभी मैं टारगेट और लेवल की बात करता हूँ, तो एक महीने का चार्ट खोल लिया है, डे लो पे है वो, सॉरी एक महीने के लो पे है, मुझे कोई डाटा नहीं मिल रहा, 3 महीने का चार्ट खोल लिया, अब 3 महीने में मुझे कुछ दिख रहा है, और 3 महीने मुझे दिख रहा है कि स्टॉक लास्ट टाइम 22nd of August को 3074 के लेवल से भागा था और 4000 के लेवल तक गया था, और स्टॉक उससे पहले 3500 से गिरा था और 3000 तक आ गया था, यानी 3400 से गिर के 3000 आया और 4000 गया, ऐसी 4000 से गिर के अब ये 3134 पे आ चुका है, यानी 3134 पे आ चुका है। अब ये पहला जो इसका 3 महीने का मैं चार्ट खोला और एक बेस देखने की कोशिश करूं, तो थर्ड अटेम्प्ट है इसका जो 3000 के पास जाएगा, ये फर्स्ट अटेम्प्ट जो था 3000 के पास का इसका 11th of August को था, सेकेंड अटेम्प्ट जो था 22nd August को था, और थर्ड अटेम्प्ट अब है जो कि करीब 29 सितंबर, यानी पिछले 2 महीने में ये तीसरी बार है जब शेयर 3000 के लेवल पे जाता हुआ दिखेगा। हालांकि पिछले 2 बार जब गया है तो कंसोलिडेट हो गए, डबल टॉप डबल बॉटम बना के शेयर 4000 के लेवल दिखा के आ गया आपको, और इस बार जो फॉल आ रहा है और विद वॉल्यूम आ रहा है, और मुझे लग रहा है अगर ये 3000 के लेवल के नीचे निकला तो स्टॉक में कहीं ना कहीं गिरावट बढ़ सकती है और स्टॉक आपको 2800 to 2700 पे मिल सकता है। तो 3000 का लेवल उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा जिनके पास पोजीशन है तेजी की और ऊपर के लेवल से है, या फिर 3000 के नीचे भी है और वो प्रॉफिट में बैठे हैं और वो सोच रहे हैं यार अब तो इतना नीचे आ गया भागेगा, तो अगर 3000 ब्रेक करेगा तो आप अपनी पोजीशन में ध्यान रखिए, आप भी लॉस में आ सकते हैं। तो 3000 के नीचे निकलते ही स्टॉक वीक हो जाएगा, मुझे लगता है फिर 10% और करेक्ट होने की दम हो जाएगी इस स्टॉक में, क्योंकि 3000 पे पिछले 2 महीने में तीसरा अटेम्प्ट है ये, और अगर यहाँ से बाउंस बैक आना होगा तो यहीं से आ जाएगा, और नीचे गया ब्रेकडाउन मिला तो फिर गाइस 200 से 300 पॉइंट की करेक्शन और आपको देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल यहाँ से देखिए, अब दो चीज़ें बनती हैं फ्रेश एंट्री के लिए, ऑलरेडी पोजीशन है उसके लिए तो एक SL निकल के आ गया, उसे उसके SL के लिए होल्ड करना ही करना है, यार मेरी आँख में कुछ चला गया है, होल्ड करना ही करना है। अभी फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको बताऊँ, अगर आप इस लेवल पे बाय करते हैं तो 3000 का एक SL हो जाएगा टारगेट, मतलब 100-150 पॉइंट की SL और 300-400 रुपए का टारगेट। देखिए इस स्टॉक में काम कर रहे हो तो आपको SL बड़ा लगेगा ही लगेगा, क्योंकि स्टॉक छोटा चलता ही नहीं, चलता ही बड़ा है, मैंने शुरू में ही बता दिया। तो इस स्टॉक में अगर 150 रुपए के SL के साथ काम कर रहे हो तो आपका टारगेट 3500 का हो सकता है, और नीचे भी जाए तो और बढ़िया बात है आपके लिए।
और अगर आप कोई एंट्री नहीं बनाते हो तो नोटा में बैठे ही हो, और जिसके पास पोजीशन है वो 3000 के एसएल के साथ बना रहे हैं। अभी नीचे की लेवल है 3000 के, और प्रॉफिट बनाया वो भी 3000 के लेवल, अगर टूटे तो अपना प्रॉफिट बुक करें और नीचे के दोबारा डिप पे एंट्री करें। अब बात करते हैं यार जिन्होंने बहुत ऊपर ले लिया अराउंड 3800 के पास, क्योंकि 4000 तक गया स्टॉक, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए अब उन्हें ये डिसाइड करना है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। मीडियम टर्म से शॉर्ट टर्म के लिए तो 3000 के तो बने रहे, मीडियम टर्म वाले तो बने रहे, लेकिन बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए 1 से 3 महीने 2 महीने वाले वो 3000 का ऐसा लगा ब्रेक करे तो एग्जिट हो जाए। मीडियम से लॉन्ग टर्म वाले बने रहे, स्टॉक बढ़िया है, कंपनी अच्छी है, कारोबार इनका आपको बताया म्यूचुअल फंड से, म्यूचुअल फंड चलने ही वाला है लाइफ टाइम। मार्केट में लोगों का निवेश का मन बने ना बने, लेकिन म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं सही है, आप सभी ने ऐड देखा ही होगा, तो ये कहीं नहीं जाने वाला, ये चलेगा और लंबा चलेगा, आप टेंशन फ्री रहो। क्योंकि मार्केट में अगर लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हो तो आपको देखना ये कंपनी लंबे समय तक चलेगी, हाँ जी बिल्कुल चलेगी, म्यूचुअल फंड भी चलेगा। तो ये मेरी पूरी वीडियो कैम्स शेयर पे कैम्स का एनालिसिस कर दिया, एक तरीके से हमने पूरी डिटेल दी है आपको, कारोबार समझाया, लेवल्स बताए, होप आप सभी को समझ में आए होंगे और पसंद भी आई होगी वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड।